सबकी चाहत, सबकी चाहत, ममता राकेश, हरीश रावत। हमारे प्रत्याशी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अभी हमारे नेताओं का स्वागत हो रहा है। मैं आप सबसे चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी बोलूंगा, आप जिंदाबाद बोलूंगा कांग्रेस पार्टी। साथियों, मैं कह रहा था कि इस बार गलती मत करना। मैं यहाँ पर आए अपने मीडिया साथियों का स्वागत करता हूँ और अपने प्रत्याशी युवा भाई वीरेंद्र रावत जी का स्वागत करता हूँ। एक बार हम सब मिलकर के बोलेंगे वीरेंद्र रावत, वीरेंद्र रावत। हमारा प्रत्याशी कैसा हो, जो हमारी संसद में उठ, लोगों को जो है तो हमारे बीच के, लेकिन जिनकी सोच पहले से ही अंग्रेज परस रही है, आज वो लोग उनसे नाराज हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आप इस लड़ाई के सब लोग, जितने लोग सामने हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप इस लड़ाई के सिपाही बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं जरा हाथ खड़े करके बताएं। भारत के संविधान को समाप्त करना चाहती हैं, उसको बदलना चाहते हैं। उनको हमारे आईन में विश्वास नहीं है, उसको संविधान में विश्वास नहीं है, क्योंकि वो संविधान सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वो संविधान सर्व जाति संभाव की बात करता है। उनका हमारे संविधान में यकीन नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। उनका हमारे संविधान में यकीन नहीं, मगर हार स्वीकार नहीं करते। मैं कभी इतना चिंतित नहीं हुआ। मैं तो कई चुनाव हारा, कई चुनाव जीता। जीत हार लोकतंत्र का आभूषण होती है, लेकिन आज सवाल जीत हार का नहीं है। आज सवाल है आजादी के समय का, जो भारत था, जिस भारत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने भाई भाई के तौर पर लड़ने का काम किया था, वो भारत रहेगा नहीं रहेगा इस बात की लड़ाई। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर जी के समर्थन में आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ। मैं सारे भगवानपुर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेतागणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ममता राकेश जी को बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि काम करने की नीयत चाहिए होती है। अब इनके पास नीयत तो है नहीं। आज आप 10 वर्षों से हरिद्वार क्षेत्र जो है वो लापता सांसद और लापता विकास को खोज रहा है, नहीं खोज रहा तो बताइए। और उनकी अकर्मण्यता इतनी वो रही कि आज उनका भी चेहरा बदल दिया गया। अगर भाजपा के लोगों ने कुछ काम किया होता तो उनको अपना चेहरा बदलने की जरूरत क्या पड़ती, क्यों ठाकुर साहब पड़ती क्या जरूरत? लेकिन उन्होंने चेहरा बदला, इसका मतलब उन्होंने खुद ही मान लिया कि हमारा जो 6 साल का सांसद था वो बहुत बड़ा नकारा था। और जिस चेहरे को बदल के लाए, वो तो वो कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वो साहब ऐसे आए कि उनका 4 बरस का कार्यकाल रहा और 4 बरस के कार्यकाल में हरिद्वार जिला तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तराखंड में कोई उनका उल्लेखनीय कार्य हो तो बता दीजिए। अब मैं यहाँ वो बात नहीं कहना चाहता हूँ कि वो किस चीज के लिए फेमस थे, ये आप सब जानते हैं। और आज मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं 2009 से, आप सब मुझे जानते हैं, मनोहर भाई आप सब मुझे देखते आ रहे हैं, आपके सुख दुख जो भी, आप जब भी आपने मुझे बुलाया, जिस समय भी बुलाया, मेरी कोशिश रही, मैं हमेशा उस समय पर वहां पर मौजूद रहा। आपने आह्वान किया है जनता से यहाँ पे आकर भगवानपुर में, और अच्छी खासी भीड़ आपके सम्मान में यहाँ इकट्ठी हुई है, तो कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के युवाओं से? हमारे चैनल, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम क्षेत्र के युवाओं से,
बुजुर्गों से, माताओं बहनों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये बदलाव की जो बयार है, ये पूरे देश में बदलाव की बयार बह रही है और इस बदलाव आज हर व्यक्ति जो है वो बदलाव चाहता है। सर, ये जो उमेश कुमार जी निर्दलीय आए हैं, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा कांग्रेस के वोट बैंक पे? कांग्रेस को सर्व समाज का वोट मिल रहा है और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का कैंडिडेट भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रहा है। आपको पूरी तरह से उम्मीद है, पूरे आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मैं अब तक लगभग 8 से 9 विधानसभाओं में घूम चुका हूँ और चारों तरफ बदलाव की बयार बह रही है। हर व्यक्ति के चेहरे पर, मुंह पर एक ही वाक्य है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अच्छा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बहुत बढ़िया, आपने ये जो गाने की लाइन से बताया, बड़ा अच्छा लगा। आज भगवानपुर में हमारे संसदीय कार्यालय खुला है और इसमें आपने देखा भारी भीड़, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण सभी लोग आए और अपने भाई वीरेंद्र रावत को सबने भरपूर आशीर्वाद दिया और सबने ये संकल्प लिया कि 19 तारीख तक सब अपने घरों से निकलेंगे और अपने भाई वीरेंद्र रावत को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। देखिए, विचारधारा की लड़ाई होती है और मैं समझता हूँ बहुत जल्द वो अपनी पुरानी विचारधारा में वापस आएंगे। जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं उनसे जरा एक चीज पूछिएगा जरूर कि पंकज सिंह कौन है, किसके बेटे हैं, दुष्यंत सिंह किसके बेटे हैं और जो BCCI के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो किनके बेटे हैं और उनको, उनकी किस योग्यता पर उनको BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है, ये जरा उनसे जरूर पूछिएगा। इंडिया गठबंधन की जो रैली है आज से जो शुरू हो रही है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, आज पूरे देश में बदलाव की बयार है, लोग बदलाव चाहते हैं और लोगों के लोग बड़ी आशा भरी निगाह से हमारे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी की ओर देख रहे हैं। उमेश कुमार जी ने कहा कि भाई बाहरी प्रवासी है, आएंगे और उड़ के ताना चुप के चले जाएंगे। मैं तो 2009 से यहाँ के गली गली, कस्बे कस्बे, गांव गांव घूम रहा हूँ और प्रवासी कौन है वो बेहतर आप जानते हैं। वो तो एक क्या कह सकते हैं, आई डोंट गेट द प्रॉपर वर्ड फॉर इट, लेकिन ये है कि प्रवासी कौन है ये 4 तारीख को जनता खुद बता देगी। कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है और जनता अपने जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे SC ST के आरक्षण का हो, तो ये सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता बहुत प्रभावित हो रही है और जनता देख रही है कि इन सब चीज़ों के लिए जो है, जो ये 10 वर्ष से डबल इंजन की सरकार चल रही है वो इन सब के पीछे है और इन सब से अगर वो निजात पाना चाहती है तो सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इनको, उनको इन सब चीज़ों से निजात दिला सकती है। 2009 रिटर्न हो रहे हैं, 2009 रिटर्न हो रहे हैं।